तो फिर वो किस काम का है? तो आप अगर आप काम के ऊपर मांग रहे हो, इस वक्त काम का मुद्दा नहीं है। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि बेरोजगारी है या शिक्षा कहाँ पर जा रही है, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि NRC वापस हो जाए, कैब वापस हो जाए। मेरा नाम आफरीन है एंड मैं बदरपुर है ना, वहाँ विधानसभा की वोटर हूँ, ठीक है। एंड जो 5 साल में जितना भी काम हुआ है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छा काम हुआ है, पढ़ाई बहुत आगे हम लोग निकल गए हैं शिक्षा में, लेकिन जितने भी नेता हैं अगर वो NRC पे कैप पे नहीं बोलेंगे, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने 5 साल के काम के ऊपर वोट मांगेंगे, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी अगर NRC लागू हो जाता है और जितने भी मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बाहर चले जाएंगे, तो काम तो यहीं रखा रह जाएगा। उससे भी हम बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत सारी जनता उनसे उसलिए भी नाखुश है और उनको क्या पता वोट ना भी दे उस वजह से भी, क्योंकि उन्होंने NRC और CAA का कोई विरोध नहीं करा। अब घर से बैठे बैठे बोलने से तो कुछ नहीं होता है भाई, हम भी सड़कों पे हैं, अपने घर बार अपना काम काज छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के। तो फिर वो किस काम का है? तो आप अगर आप काम के ऊपर मांग रहे हो, इस वक्त काम का मुद्दा नहीं है। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि बेरोजगारी है या शिक्षा कहाँ पर जा रही है, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि NRC वापस हो जाए, कैब वापस हो जाए, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसीलिए बाहर निकले हैं कि कैब और NRC वापस होनी चाहिए, इसलिए नहीं निकले हैं कि उनको रोज़गार चाहिए। वो तो बहुत पहले से प्रॉब्लम चलती आ रही है कि रोज़गार नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम चलती आ रही है, लेकिन अभी उनको हमारे साथ स्टैंड होना चाहिए इस मामले पर। तब भी मैंने आम आदमी को ही वोट दिया था, यही पैटर्न होता है। आप देखा जाए, आपको क्या चाहिए देश से? आपके देश की ग्रोथ हो, आप यही तो चाहेंगे। आप ये थोड़ी चाहेंगे आपका देश 45 ईयर्स बैक चले जाए, आपकी शिक्षा ना हो, आपके बच्चे ना बढ़ पाए, आप कोई भी नहीं चाहेगा। आप CNRC के नाम पर कितना लोगों को बहका सकते हैं, कितना बहका लेंगे? 1 साल 2 साल महीने 2 महीने, उसके आगे आपके बच्चे को पढ़ाएंगे ही ना। आप पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, वो तो हमें एक ही पार्टी दे रही है ना। फिलहाल सड़कें कितनी अच्छी बना रहे हैं, कैमरेज लगवा लिए, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है, लोग महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिए, वो इतना अच्छा काम कर रहा है। वो NRC CA NRC पर नहीं बोल रहा, वो उसकी गलत बात है, पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम उन मुद्दों पर ना ध्यान देंगे, हम दिल्ली के मुद्दों पर ध्यान देना चाहते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और देखा जाए वो महत्वपूर्ण भी है। अगर मैं केजरीवाल जी की बात करूँ तो ओवररेटेड लगते हैं वो, इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने कुछ काम किए हैं, कुछ सलीके के काम किए हैं जो किए जाने चाहिए हैं। जिस तरीके के काम, अगर पॉलिटिक्स में बैठ कर के जिस तरीके के कामों के लिए हम चुनते हैं सरकार को, उस तरीके के कामों के लिए पहल करना, सिर्फ सड़कों और पानी बिजली को छोड़ना भी नहीं है उन्हें, मगर सिर्फ उन पर फोकस किए बगैर और बाकी चीज़ों पर जो फाउंडेशन में, देखिए बिजली पानी तो ऐसी ज़रूरत है जिनके बिना रहा ही नहीं जा सकता, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ एक बेसिक एजुकेशन, उस पर उन्होंने काम किया है कहीं ना कहीं। अगर पुरानी दिल्ली की सिर्फ मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो भी नज़र नहीं आता, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें की हैं। तो अगर मैं एक शब्द में कहूँ या पुरानी दिल्ली की भाषा में कहूँ तो अंधों में काना राजा हैं वो। पिछले 5 साल में जो पानी की और बिजली की हालत थी, उसमें जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया थोड़ा सुधार हुआ है, और नेक्स्ट वोटिंग में क्या रिज़ल्ट आएगा वो तो अल्लाह ही जानता है। हमारे को तो सिर्फ अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करना है, जिसको जैसा करना है वो अपने अधिकार का वैसे यूज़ करे। कोई पार्टी पसंद नहीं है तो वो उसको रेड बटन दबा के उसमें अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करा सकता है EVM में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी पावर में आएगी वो इस देश के हित के लिए काम करेगी, इस देश को तोड़ने के लिए कोई काम ना करें। ऐसा काम करने से इस देश का ही नुकसान हो रहा है, इस देश की नई युवा पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, है ना, बहुत समझदार हैं, बहुत आगे की सोच ये रखते हैं, है ना, और ये काम को वोट देते हैं, ना किसी के नाम को वोट देते हैं, है ना। और जो काम किए हैं केजरीवाल ने, स्वास्थ्य के बारे में ले लो या फिर एजुकेशन के बारे में ले लो, है ना, वो नंबर वन काम किए हैं जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो अगर ईमानदारी से वोट हुआ तो 100% 70 में से 70 सीट, है ना, आज आप पार्टी को मिलनी है।